आज इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक्स डी फार्म सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में तो हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ा था, अब सेकेंड ईयर में भी हम लोग को फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है। कुछ ब्रॉडली पढ़ना है, कुछ नया पढ़ना है। जैसे उसमें डोजेस फॉर्म पढ़ा था, कितने तरह के डोजेस फॉर्म होती हैं, तो यहाँ पे पार्टिकुलरली कुछ डोजेस फॉर्म के को और ज्यादा से ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पोसोलॉजी, ड्रग मीन्स कैलकुलेशन, डोजेस फॉर्म कैलकुलेशन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सब पढ़ना है। सिमिलर है, हम लोग सिमिलरली अगर देख कर चले तो दोनों सिमिलर है, बस इसमें डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में कुछ कम था, कुछ अलग अलग टॉपिक थे। तो सबसे पहले फिर इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाती है। इंट्रोडक्शन फिर से क्यों, देखो क्लास मीन्स दैट चैप्टर शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन बेहद जरूरी पार्ट होती है। बेसिक हमें समझना चाहिए कि फार्मास्यूटिक्स होता क्या है। फार्मास्यूटिक्स, एक मिनट, व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स। फार्मास्यूटिक्स मेरा, इसको हम साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। इसको क्यों कर सकते हैं भाई? तो देखिए, फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का वो ब्रांच होता है, दैट्स फार्मास्यूटिक्स हमारा फार्मेसी का वो डिसिप्लिन या ब्रांच है जिससे हम एक न्यू केमिकल एंटिटी या फिर हम ओल्ड ड्रग को, फिर कोई भी ड्रग्स में सिंथेटिक हो गया, फिर हम कह सकते हैं नेचुरली ड्रग या फिर सेमी सिंथेटिक ड्रग्स को लेंगे। अब ड्रग ले लिए तो फिर ड्रग को हम डायरेक्टली तो एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, फिर उस ड्रग को एक डोजेस फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे। फर्दर उसको एडमिनिस्टर मीन्स दैट उसको एक डोजेस फॉर्म कैलकुलेशन, कितना कितना पोटेंट ड्रग हम ले सकते हैं, फर्दर कितना डोज में लेंगे, एक उसको डोज फॉर्म में हम बना देंगे। उस साइंस को हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं, इसलिए इसको डायरेक्टली कहा जाता है साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइन, हमारा फार्मास्यूटिक्स है। तो आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम फार्मास्यूटिक्स के बारे में क्या बोला यहाँ से, कि फार्मास्यूटिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल एंटिटी एनसीई मीन्स दैट न्यू केमिकल एंटिटी और ओल्ड ड्रग्स इनटू द मेडिकेशन टू बी यूज सेफली एंड इफेक्टिवली बाय द पेशेंट। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स हमारा फार्मेसी का वो ब्रांच है जहां पे हम कोई भी न्यू केमिकल एंटिटी, न्यू केमिकली जो केमिकल ड्रग जो डिस्कवर होती है मींस दैट खोजी जाती है, या फिर हमारा जो ओल्ड ड्रग मौजूद है पहले से, उसको मेडिकेशन के फॉर्म में लाएं। अब मेडिकेशन के फॉर्म में ला देंगे तो फिर उसको उसका यूज थेरेपेटिकली यूज होना चाहिए। फिर वो मेडिकेशन के फॉर्म में आ रहा है तो हमें ये भी देखना होगा कि वो सेफ है, फिर इफेक्टिव है तो कितना इफेक्टिव है पेशेंट में। फार्मास्यूटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ द डोजेस फॉर्म डिजाइन। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स हमारा साइंस ऑफ द डोजेस फॉर्म डिजाइन है। फार्मास्यूटिक्स एक मेरा टेक्नोलॉजिकल साइंस है जो हमको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग से डील कराता है, मीन्स दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग जो होती है उसको एक तौर पे हम फार्मास्यूटिक्स कर सकते हैं। बी फार्म सेवेंथ सेम में या फिर फिफ्थ सेम में एक हमको क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगी हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग का जो प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस है, कुछ कुछ हम लोग को एक शॉर्ट में पढ़ना है डी फार्म में, वहां पे बेसिकली एक डीप में पढ़ना है किस तरह से टैबलेट मैन्युफैक्चर होता है, किस तरह से कैप्सूल, किस तरह से और भी वेरियस टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो किस तरह से मैन्युफैक्चर होते हैं। फर्दर, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इज द फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिपेयर्ड फॉर डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का नाम सुना होगा, तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ड्रग का वैसा फॉर्म होता है
जिसको हम डायरेक्टली पेशेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं। अब डिस्पेंस कौन करेगा? तो डिस्पेंस एक फार्मासिस्ट करेगा। कब करेगा? तो एक प्रिस्क्रिप्शन जो होती है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट होती है हमारे डॉक्टर जो मीन्स दैट मेडिकल प्रैक्टिशनर हमारा मीन्स दैट फार्मासिस्ट और एक पेशेंट का। पेशेंट जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, वहां से उसको वो प्रॉब्लम बताता है। फर्दर हमारा जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उसको प्रिस्क्रिप्शन, जिसको एक तरफ में नुस्खा कहते हैं, नुस्खा वो देता है उसको पेशेंट को। फर्दर पेशेंट उसको लेकर फार्मासिस्ट के पास जाता है। फार्मासिस्ट मेनली, अब तो कंपाउंडिंग का जमाना रहा नहीं तो ड्रग हमारा पहले से ही मेडिकेशन के फॉर्म में, एक डोजेज फॉर्म में उपलब्ध है। तो डायरेक्टली वहां से फार्मासिस्ट ड्रग स्टोर से ड्रग लेता है, मतलब फार्मासिस्ट का खुद का अपना ड्रग स्टोर होता है, तो वहां से लेता है और उसको डायरेक्टली पेशेंट को डिस्पेंस कर देता है। तो ये हमारा मेडिकल एक चेन है। ये हमारा चेन इसलिए कह सकते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास हमारा पेशेंट डायरेक्टली जाएगा, फर्दर वहां से जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो लेकर आएगा, उसको फार्मासिस्ट के पास जाएगा, फर्दर फार्मासिस्ट हमको पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस कर देगा। फर्दर अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं ड्रग की डिफिनीशन। ठीक है, तो ड्रग नाम सुनने से एक हमको ड्रग नाम सुनने से हमको एक तरफ मतलब अलग जो हैबिचुअल फॉर्मिंग ड्रग की तरफ हमारी रुझान चले जाती है, तो यहाँ पे वो नहीं। यहाँ पे हम पार्टिकुलरली गुड थिंग के लिए जो ड्रग है उसकी डिफिनीशन के तौर पे देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू WHO 1966 मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू WHO, WHO का जो आधिकारिक मीन्स दैट ऑफिशियल डिफिनीशन है ड्रग का, वो यही है कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट या फिर पेशेंट, जिसको हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो ड्रग मेरा एक तरह का सब्सटेंस या फिर प्रोडक्ट है जिसको हम यूज करते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर या फिर मॉडिफाई करने के लिए, फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई एक्सप्लोर करने के लिए, जिससे हमारे जो रेसिपिएंट है उसको बेनिफिट मिल सके। फर्दर अब यहाँ से डोजेस फॉर्म ड्रग डिस्पेंसिंग ये सब नाम यहाँ पे हमेशा फार्मास्यूटिक्स में सुनने को मिलेगा। ड्रग तो हमको, ड्रग का डिफिनीशन एक हमारा ऑफिशियल होगा, एक हमारे अपने लैंग्वेज में होगा। तो ऑफिशियल जो हमारा ड्रग का डिफिनीशन है इनसेट अकॉर्डिंग टू WHO वो ये है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओहो सॉरी सॉरी, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। पर द डोजेस फॉर्म क्या है? तो डोजेस फॉर्म मेरा एक तरह का कन्वीनियंट फॉर्म है नेचुरल या सिंथेटिक ड्रग का, जिसको हम बॉडी पेशेंट के बॉडी में डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डोजेस फॉर्म वही फॉर्म है ड्रग का, मीन्स दैट फार्मास्यूटिक्स से ही हमारा डोजेस फॉर्म बना है। तो डोजेस फॉर्म वैसा कन्वीनियंट फॉर्म है जिस जो हमको इजिली हम उसको इजिली बॉडी ऑफ द पेशेंट में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डोजेस फॉर्म मेरा टेबलेट भी हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है, एम्पूल्स भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। फर्दर एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स क्या है? ठीक है, अब तो उधर बात कर लिया फार्मास्यूटिक्स क्या है, फर्दर हम बात कर लिए ड्रग के बारे में, फर्दर हम बात कर लिए डोजेस फॉर्म के बारे में, हम लोग अब एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स देख लेते हैं कि आखिर फार्मास्यूटिक्स का मतलब तो समझ गए कि साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइन है। फर्दर फार्मास्यूटिक्स का एप्लीकेशन क्या क्या है? तो सबसे पहले एप्लीकेशन है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फिजिकल फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स के हेल्प से हम बेसिक फिजिकल फार्मेसी को समझ सकते हैं। फर्दर नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव डिजाइन ऑफ द डोजेस फॉर्म, जो
जो डोजेस फॉर्म का इफेक्टिव डिजाइन है वो हम फार्मास्यूटिक्स से ही कर सकते हैं। फर्दर फार्मास्यूटिक्स बायो फार्मास्यूटिक्स में अप्लाई होता है। अब बायो फार्मास्यूटिक्स एक तरह का इंटर रिलेशनशिप है फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस में द नेचर ऑफ द ड्रग के। फर्दर हम द डिजाइन एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द मेडिसिन को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द फार्मास्यूटिक्स। फर्दर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन ऑन बोथ अ स्मॉल एंड लार्ज स्केल। फर्दर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एक जो हम सब्जेक्ट बताया था वहां से हम कन्वे कर मीन्स दैट वहां से हम ये देख सकते हैं, मतलब वहां से हम मैनेज कर सकते हैं मेडिसिन के मैन्युफैक्चर को स्मॉल एंड लार्ज स्केल पे। उसके बाद हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन को यहाँ से जान सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का, कौन कौन से सिलेबस, फार्मास्यूटिक्स में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, फार्मास्यूटिक्स में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो से हमको जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद है एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, ये सब हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।